नमस्कार, दृष्टि आईएएस की डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है प्रोजेक्ट दंतक ने भूटान में किए 60 साल पूरे। प्रोजेक्ट दंतक भूटान में अपनी डायमंड जुबली मना रहा है। इस अवसर पर भूटान में भारतीय राजदूत रुचिरा कम्बोज ने 24 अप्रैल 2021 को सिमटोखा के दंतक स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह स्मारक भारत और भूटान के बीच दोस्ती का परिचायक है। यह स्मारक भूटान में बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय बलिदान हुए दंतक कर्मियों की याद में बनाया गया है। भूटान में बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए 1200 से अधिक दंतक कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। 24 अप्रैल 1961 को भूटान के तीसरे राजा और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भूटान का सामाजिक आर्थिक विकास करना और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना था। इस प्रोजेक्ट के तहत मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का कार्य संपन्न किया गया। एयरपोर्ट का निर्माण, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण, राजमार्गों का निर्माण, चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है।